जिला बिलासपुर का क्षेत्रीय अस्पताल आजकल चिकित्सा सुविधाओं की कमी से सुर्खियों में है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह क्षेत्र में इस बड़े हॉस्पिटल के प्रबंधक इतने लापरवाह हैं, शायद उन्हें मरीजों की सुविधा और सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। जी हां, दो सप्ताह पहले मीडिया ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक्सपायर डेट के अग्निशमन यंत्र का मुद्दा उठाया था, लेकिन विडंबना यह है कि दो सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यहां से एक्सपायर डेट के अग्निशमन यंत्रों को नहीं हटाया गया। शायद विभाग को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है और आगजनी घटनाओं का खतरा रहता है, ऐसे में विभाग ने अभी तक पुराने अग्निशमन यंत्रों को क्यों नहीं बदला। अग्निशमन यंत्र को चेक किया गया तो वहां पर जो उनके ऊपर तिथि निर्धारित की गई थी वह एक्सपायर हो चुकी है और साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि 5 अप्रैल 2018 के बाद इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बड़ी गंभीर बात है, हजारों सैकड़ों मरीज रोजाना हॉस्पिटल में आते हैं और अगर किसी प्रकार की कोई आगजनी घटना हो जाती है तो उस पर काबू पाना निहायत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो अग्निशमक जो वो लगाए गए हैं, फायर इक्विपमेंट जो एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, उसमें जो है एक्सपायरी डेट जो है वो 5/4/2018 की है और उससे पहले भी उसके जो थे वो स्टिकर निकाले गए थे। तो हमने मुझे ज्ञात हुआ टीवी के माध्यम से जो था इसकी न्यूज लगाई गई थी कि इन्हें जल्दी से जल्दी बदला जाए क्योंकि ये एक्सपायरी डेट के सिलेंडर हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। आप सभी को ये ज्ञान है जैसे कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इलाज के लिए बैठे हुए हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई अनहोनी घटना घट जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में जो है प्रशासन जो है जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठाए और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी इस बारे में कुछ सोचे। बिलासपुर के हॉस्पिटल के बारे में हमने पहले भी बहुत सी समस्याएं रखी हैं, डॉक्टर्स को लेकर रखी हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स को लेकर रखी हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें उनका घेराव करना पड़े। जब आज लोग पत्रकारों को दोबारा इसके बारे में जानकारी दे रहे थे तो हॉस्पिटल में तैनात सुपरवाइजर उल्टे उनसे उलझ गए और सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिए कि पत्रकारों को पकड़ो, उनको वीडियो मत बनाने दो। अगर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह क्षेत्र में ऐसे हाल है तो पूरे हिमाचल में क्या हाल होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने बोला कि ये दो मिनट रुको, इनको मैं तेरे मैसेज देता हूँ, तब बोला मैं। वो ठीक बोला, हो सकता है जो आप, मैं तो सर अपना काम कर रहा हूं, जो आप इंटरव्यू लिया ना आपने, बात सुनो सर, जो आपने इंटरव्यू लिया ना बंदे का, हो सकता है उसके प्रति जो वहाँ पर रिस्पॉन्स रैप है उसने भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी हो। सीएमओ जी को पूछते हैं या एमएसओ जी को पूछते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि हमारे ध्यान में ये बात है नहीं है, तो अब हम किसको पकड़े? आप बताओ ना, हम किसको पकड़े? सब कुछ है, जाने वाला सब कुछ है, आपका काम है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन एमएस साहब बोल रहे हैं कि परमिशन होगी तभी पत्रकार अंदर आएंगे, न्यूज लगाओ आप, उन्होंने भी तो प्रतिक्रिया देनी है अपनी। अच्छा, आपने 50 समाचार पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा है कि ठीक है सर, मैं इस चीज के लिए मानता हूँ, ठीक है, एमएसओ साहब बोल रहे हैं कि बिना परमिशन के, लेकिन एक जिस तरीके से आप मुझे रोक रहे हो खबर लगाने से, आप बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को इनको मत देना जानिए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने कुछ प्रतिक्रिया देनी है अपने, आपने इंटरव्यू ले लिया ना सर? मैंने डॉक्टर साहब ने, मेरी बात सुनो, मैं इंटरव्यू लगा रहा हूँ, मैं वैसा हूँ, पॉइंट आपके लिए वो भी वैसा ही है, एक बात है, बात सुनो, बात आई एम सैटिस्फाइड, सब्जेक्ट है सुधार का, ओके, सुधार सब्जेक्ट है ना, वो आपने कैसे करना है वो अलग चीज है, लेकिन बात आप दोनों की सुनोगे ना सर, वो आपका काम है। सर जब एमएसओ साहब को फोन किया मैंने एक दिन तो उन्होंने बोला कि मेरे ध्यान में बातें है नहीं है, तो मैं सर क्या करना है कि हम इनको चेंज करवा देंगे, तुरंत चेंज करेंगे, ऑर्डर कर देते हैं, तो सर अभी तक नहीं हो पाए। नहीं, ऑर्डर दिए हैं इन्होंने, प्रोसेस में दिए होगा, तो सर या इन सिलेंडर को वहां से हटा दिया जाए तो जब वो आएंगे तभी बदली होगा ना। चलो कोई नहीं, ओके सर, थैंक यू।